अकबर तुम्हारे तक मैं तेरी खातिर ही मरूंगा, मैं नाज हूँ कश्मीर तेरा, तुझी पे सब कुछ लुटा, मैं तेरा शायर तेरा मुगन्नी तेरे ही नगमात गाऊंगा मैं। कायदीन जमात इस्लामी, कारकुनान इस्लामी जमीयत तलबा और कारकुनान जमात इस्लामी बरादर शामुल हसन, नाजिम इस्लामी जमीयत तलबा मीरपुर बरादर उमैरुल इस्लाम, नाजिम इस्लामी जमीयत तलबा भिंबर बरादर अहमद बिलाल, नाजिम इस्लामी जमीयत तलबा मस्त अफान लतीफ भाई, अब्दुल बासित शकील भाई, शाबान शाइक भाई और दीगर जितने भी जोमा यहाँ पे तशरीफ फरमा है, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज अपने कौमी और मिल्ली बेदारी और गैरत का सबूत देते हुए अपने एहतजाज को बेहतरीन और मुनज्जम अंदाज में यहाँ पे रिकॉर्ड कराया। मेरे दोस्तों, आप यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि जम्मू कश्मीर का एक खित्ता, जम्मू कश्मीर का एक बड़ा खित्ता कि जो दुश्मन के कब्जे में है, दुश्मन के नरगे में है, 70 सालों से वो दुश्मन के नरगे और कब्जे में है। सितम बालाए सितम ये है कि आज से 2 साल कबल उसकी खुसूसी हैसियत को एक गासिब मुल्क, उस गासिब मुल्क का गासिब हुक्मरान उसकी उस खुसूसी हैसियत को खत्म कर देता है, उसको अपने तसल्लुत में लेके आ जाता है, उस पर अपना गैर कानूनी कब्जा जमा लेता है। और इसी पर बस नहीं बल्कि वहां पे रहने वाले लोगों को मुकैद और महसूर कर देता है, वहां पर मुसलमानों की आबादी को कम करने के लिए मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है, गैर कश्मीरी बाशिंदों को डोमिसाइल देकर वहां पर हिंदुओं की आबादी को बढ़ाया जा रहा है, वहां पर मेरी और आपकी बहनों के सर से चादरें छीनी जा रही हैं, मेरे और आपके भाई वहां पर अपनी जाने कुर्बान कर रहे हैं, वो बूढ़ा बाप के जो अपने बेटे के इंतजार में रहता है, वो बूढ़ी माँ के जिसने अपनी आंखों में अपने बेटे के लिए बेशुमार ख्वाब सजाए होते हैं लेकिन वो उनके ख्वाबों की ताबीर नहीं देख सकती, उन्हीं आंखों से शाम को वो अपने उस जवान बेटे का लाशा देखती है और उसके पास अपने उस जवान बेटे के की चंद निशानियों के अलावा, उसकी यादों के अलावा और कुछ नहीं बचता। मेरे दोस्तों अजीजों, वहां की मंजर कशी यह है, वहां का मंजरनामा यह है कि आज वहां हिंदुओं को अक्सरियत में लाने के लिए वहां पर मुसलमानों की शादियों पर पाबंदी लगाई जा रही है, हिंदुओं के मर्दों से मुसलमानों की औरतों की शादी कराई जा रही है। मेरे दोस्तों और अजीजों, ऐसे हालात को शायर ने अपने अंदाज में यूं कलमबंद किया कि तू ही बोल ऐ तेरे जिंदा शबे गम, तू ही बता क्या यही है मेरे बेनाम शहीदों का पता, क्या यही है मेरे मयारे जुनू का रास्ता, दिल दहलता है जो गिरता है सड़क पर पत्ता, एक न एक शोरशे जंजीर है चिंकार के साथ, एक न एक खौफ लगा बैठा है दीवार के साथ, इतनी वीरान तो कभी सुबह बयाबा भी न थी, इतनी पुरखार कभी राह मुगलिया भी न थी, कोई साथ कभी इस दर्जे फरोजा भी न थी, इतनी पुरहोल कभी शाम गरीबा भी न थी, ऐ वतन कैसे ये धब्बे दरो दीवार पे हैं, किस शक्की के तमाचे तेरे रुखसार पे हैं, ऐ वतन ये तेरा उतरा हुआ चेहरा क्यों है, उर्फा बाम शबिस्ता में अंधेरा क्यों है, दर्द पलकों से लहू बन के छलकता क्यों है, एक एक सांस पे तनकीद का पहरा क्यों है, किसने माँ बाप की सी आंख उठा ली तुझसे, छीन ली किसने तेरे कान की बाली तुझसे, ये वो हालात हैं कि जिनका मंजर आज मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर पेश किया जा रहा है। लेकिन इस पर भी ज्यादा सितम की ज्यादा अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के जिसने कश्मीर की
जम्मू कश्मीर के मसले की वकालत का दावा किया था और एक मौकफ को, एक असूली मौकफ को लेकर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने उस मसले को बैन अल-अक़वामी दुनिया के अंदर बुलंद किया था। आज हुकूमत पाकिस्तान उस देरीना मौकफ से पीछे हट रहा है और आजाद कश्मीर की हैसियत को, गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत को उसको तकसीम करने की बात की जा रही है। लेकिन मैं यहाँ पर यह वाजे कर देना चाहता हूँ, यौम इस्तेहसाल की इस तकरीब में वाजे कर देना चाहता हूँ कि यह किबरियाई के परचम वाली तहरीक इस्लामी जमीयत तलबा, जिसने अपने नौजवानों का गर्म लहू इस तहरीक के लिए पेश किया है, हम कैसे ये बर्दाश्त करें, हम कैसे ये गवारा कर सकते हैं कि आमर हबीब का वो पाक लाशा जो एलओसी पर पड़ा रहा, अमजद सरवर शहीद का वो गर्म लहू जो इस तहरीक के लिए कुर्बान हुआ, और इस तरह के सैकड़ों नहीं हजारों नौजवानों का लहू वहां पर पेश हुआ, आज ये कैसे गवारा कर सकती है इस्लामी जमीयत तलबा, कैसे गवारा कर सकती है जमात-ए-इस्लामी, ये कैसे गवारा कर सकती है कि कोई आए और उन सौदाबानियों का सौदा कर दे। जब तक इस्लामी जमीयत तलबा के जवानों की गर्दनों पर सर सलामत है, किसी का बाप भी तक कश्मीर को नहीं कर सकता इंशाल्लाह। और मैं इस मौके पर ये बात बिल्कुल वाजह कर देना चाहता हूँ कि इस्लामी जमीयत तलबा की एक दरखिशा तारीख है, जमात-ए-इस्लामी की एक दरखिशा तारीख है।